जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपकी सोच दूरदर्शी होनी चाहिए। इसके साथ ही जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों का आकलन भी करना आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। दोस्तों, आज के इस दौर में जिन लोगों की आय कम है, वे बचत के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं, और जिन लोगों की आय अधिक है, उन्हें बचत का तरीका नहीं मालूम है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर आप न सिर्फ पैसे कमाएंगे, बल्कि बचत कर जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बातों को मानकर अर्जुन ने सफलता हासिल की थी। ठीक उसी तरह हम सभी कृष्ण की बातों पर गौर कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भगवान की बातें न सिर्फ आपको बेहतर जीवन देगी, बल्कि आपको इस प्रतियोगी दौर में एक सफल व्यक्तित्व भी प्रदान करेगी। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी बनना पड़े तो इससे पीछे न हटे। कहने का सीधा मतलब यह है कि जरूरत के हिसाब से खुद में बदलाव करें और समाज के बारे में न सोचते हुए अपने काम पूरे करें। दूसरी बात है, जीवन में दोस्तों की भूमिका बहुत अहम होती है। हम हमेशा यही सुनते हैं कि दोस्तों की पहचान हमेशा मुश्किल वक्त में ही होती है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था, वैसे ही आपको भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ऐसे ही दोस्त बनाने चाहिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहें। तीसरी यह बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़े। हार कर निराश होना किसी भी समस्या का हल नहीं है। दोस्तों, किसी भी परिस्थितियों से लड़ने के लिए उसके लिए एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। बिना रणनीति के आप हर मोर्चे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। यदि पांडव भी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन नहीं करते तो शायद कौरवों के खिलाफ इस युद्ध में उन्हें जीत नहीं मिलती। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपकी सोच दूरदर्शी होनी चाहिए। इसके साथ ही जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों का आकलन करना भी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में आए दिन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण पांडवों को बताते हैं कि हमें खराब हालातों में हार मानने के बजाय उनका सामना कैसे करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारे मन में बैठा डर खत्म होगा, और जब एक बार डर निकल जाता है तो व्यक्ति किसी भी हालात को सफलतापूर्वक पार कर सकता है। दोस्तों, जीवन में सफल बनने के लिए व्यर्थ की चिंता के साथ साथ भविष्य के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा अपने वर्तमान को बेहतर बनाना चाहिए। यदि आप अपने वर्तमान को संवार लेते हैं तो आपका भविष्य अपने आप ही बेहतर बन जाएगा। इसके अलावा जीवन में कभी भी अनुशासन ही नहीं होना चाहिए। आज के इस समय में लोग अपनी आय के हिसाब से खर्च करते हैं, लेकिन ऐसे में जरूरत पड़ने पर उनके पास पैसे नहीं होते हैं। किसी भी तरह की मुश्किल आर्थिक परिस्थितियों से बचने के लिए हमेशा सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। कभी भी ऐसी चीज खरीदने में पैसा खर्च न करें जिसकी आपको जरूरत न हो। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।